नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर देश से। यूपी में चुनाव की शुरुआत से 6 दिन पहले ही योगी सरकार से जनता के सामने अपना 5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। इस रिपोर्ट कार्ड में योगी सरकार की कई बड़ी उपलब्धियों के बारे में बताया गया है और इस दौरान बीजेपी ने अपना चुनाव के लिए पार्टी का थीम सॉन्ग भी यूपी में योगी रिलीज कर दिया है। सीएम योगी ने रिपोर्ट कार्ड में बताया है कि जो काम यूपी में 70 सालों से नहीं हुआ वो 5 साल में हुआ है। रिपोर्ट कार्ड में अर्थव्यवस्था को लेकर भी कानून व्यवस्था तक तमाम कामों का जिक्र किया गया। सरकार का कहना है कि 5 साल में हमारी सरकार ने कुछ मील के पत्थर भी गड़े हैं। सीएम ने डबल इंजन की सरकार का जिक्र करते हुए आगे भी विकास करते रहने की बात कही, लेकिन चुनाव से पहले योगी सरकार का ये रिपोर्ट कार्ड जनता पर कितना छाप छोड़ता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या यूपी में सीएम योगी फिर से उपयोगी साबित होंगे। इस पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं सीएम ने अपने रिपोर्ट कार्ड में क्या कुछ पेश किया और इस दौरान क्या कुछ कहा। मैं पुलिस बल में भर्ती नहीं हो पाती थी, लगभग 1.5 लाख पुलिस की भर्ती सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान हुई। पारदर्शी तरीके से हुई, कोई भेदभाव नहीं हुआ। 86,000 पुलिस कार्मिकों को इस दौरान, जो उनके वर्षों से लंबित प्रमोशन थे, उन प्रमोशन को भी इस दौरान संपन्न किया गया और प्रदेश के अंदर जिस भर्ती पर उच्च न्यायालय ने रोक लगाई थी, इन सबको, उन सभी कमियों को दूर करते हुए पारदर्शी और ईमानदार भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से हमने इन कार्यक्रमों को संपन्न किया। 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल, जो देश के सिविल पुलिस का सबसे बड़ा बल है, इसमें महिला पुलिस कार्मिक मात्र 10 यानी जितने थी, आज उसके ठीक 3 गुना है। 5 वर्ष में उसके 3 गुना महिला पुलिस कार्मिकों को भर्ती किया गया, उनकी ट्रेनिंग हुई, वे अपनी सेवाएं राज्य को दे रही हैं, महिला सुरक्षा का एक सशक्त नमूना प्रस्तुत कर रही हैं और उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में अब हम लोगों ने महिला पुलिस बीट अधिकारी की तैनाती भी कर दी है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने हर ग्राम पंचायत में महिला बीट पुलिस अधिकारी की तैनाती की है। कि वर्ष 2016 से अगर हम 16-17 की तुलना हम 2021 से करें तो प्रदेश के अंदर जो एनसीआरबी का, नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया की जो डाटा है, उसके अनुसार डकैती के मामलों में लगभग 58%, लूट के मामले में 64%, हत्या के मामले में 23%, फिरौती हेतु अपहरण इसके मामले में 53%, दहेज मृत्यु में 8% और बलात्कार के मामलों में 43% कमी देखने को मिली है। यानी बड़ा राज्य होने के बावजूद हम लोग इन सभी मामलों में इतनी कमी लाने में सफलता प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश की जो सबसे, यहां की समृद्धि का जो कभी आधार हुआ करता था, होता था यहां का सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम एमएसएमई का क्लस्टर यूपी के अंदर होना, सरकारी उपेक्षा, प्रताड़ना, भेदभाव और भ्रष्टाचार के कारण यह 2017 तक आते आते यह एमएसएमई सेक्टर पूरी तरह बीमार हो चुका था, बंदी के कगार पर था। तब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए एक जनपद एक उत्पाद की अपनी अभिनव योजना प्रारंभ की, जो आज देश का एक ब्रांड बना है। दशकों से उत्तर प्रदेश के अंदर सिंचाई की बड़ी बड़ी परियोजनाएं लंबित पड़ी हुई थी, मध्य गंगा नहर परियोजना, पूर्वी गंगा नहर परियोजना, राजघाट नहर परियोजना, कनहर सिंचाई परियोजना, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, बाण सागर नहर परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना,
ऐसे ही तमाम परियोजनाएं लंबित पड़ी हुई थी, 30 साल 40 साल से पड़ी हुई थी। बाणसागर की परियोजना का शिलान्यास 1978 में उस समय के प्रधानमंत्री स्वर्गीय मोरारजी देसाई जी ने किया। अभी हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री जी के करकमलों से सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण करवाया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया और क्या कुछ कहा ये आपने सुना। अब आज इसी पर चर्चा करेंगे, कुछ खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पहले उनका परिचय, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। तो दीपक बघेल जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है दीपक जी आपका। कपीश श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और साथ ही विशाल लोधी राजपूत जी जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता है। आप सभी का बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहले शुरुआत करूंगी दीपक जी आपके साथ में। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 घंटे से ज्यादा जनता को संबोधित किया और साथ ही अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। जो बातें, जो जिक्र उन्होंने किया है, लगातार हम देख रहे हैं पिछले 5 सालों से बीजेपी उन्हीं मुद्दों को उठाती रही है। तो क्या लगता है, जब आज रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया गया है तो ये कितना असरदार और कितना वजनदार साबित होगा? अमनदीप जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपना 5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, तो ये दर्शाता है कि किस प्रकार से हमारी सरकार ने 5 वर्षों तक लगातार मेहनत के साथ काम किया और काम के बाद में जो नतीजा निकला वो नतीजे आज उत्तर प्रदेश की जनता के समक्ष रखे हैं। चाहे वो राशन की बात हो, चाहे वो श्रमिकों के भत्ते की बात हो, चाहे पेंशन दुगनी करने की बात हो, चाहे गरीब बच्चों की बात हो, उन सबको हमने कुछ ना कुछ दिया है। नौजवानों को रोजगार दिया है, वो 5 लाख तक दिया है। ऐसी सभी चीजों पर आज हमने पक्ष रखा है। जो लोग कहते थे, आज तक आरोप लगाते थे ये विकास पर बात नहीं करते, तो आज उनको बताते हम 3 चीजों पर ही काम कर रहे हैं और इसी एजेंडे के साथ चुनाव में जा रहे हैं, राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन। हमने आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर से उस माफिया राज को और गैंगस्टर और बाहुबलियों को भी खत्म करने का काम किया है और उसके बाद में आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सुशासन स्थापित किया है। और उसी के बाद में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का चरित्र देखने में आता है कि वो किस तरह से दंगाई और बनवाई। दीपक जी, जो वादे पूरे नहीं हुए उनका भी तो जिक्र कीजिए ना। किसानों की आय दोगुनी होगी ये वादा किया गया था घोषणा पत्र में। क्या लगता है आपको, किसानों की आय दोगुनी हुई है? जो एनसीआरबी की रिपोर्ट मुख्यमंत्री आज साझा कर रहे थे और बता रहे थे कि क्राइम रेट कम हुआ है, एनसीआरबी की अगर रिपोर्ट उठा के देखा जाए तो 2019 के मुकाबले 2020 में तो 28% और ज्यादा बढ़ गया है। यूपी और बिहार आज भी नंबर 1 है। देखिए, आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़ है और अगर और अन्य राज्यों की देखें तो वो बहुत कम है। उसके अपेक्षाकृत आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का ये एक सुशासन का जो माहौल तैयार हुआ है वो लगातार बहुत सुदृढ़ हुआ है, बेहतर हुआ है। पूर्व की सरकारों में आप जानकारी है, शाम को अक्सर निकला नहीं जाता था, रात हर रात कोई ना कोई पेट्रोल पंप लुट जाता था, 6 बजे के बाद निकलने वाला व्यक्ति के साथ में लूटपाट हो जाती थी। आज उत्तर प्रदेश की महिला तो रात को, तो दीपक जी ये कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि जनसंख्या ज्यादा है तो क्राइम रेट भी बढ़ेगा, ठीक है? नहीं, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में, ठीक है, आगे मौका दूंगी आपको बोलने का। कपीश जी जुड़े हुए हैं, कपीश जी जल्दी से इसका रिएक्शन भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। और साथ ही रिपोर्ट कार्ड आज पेश कर दिया गया है, विपक्ष के लिए ये क्या दर्दनाक साबित होगा या फिर बेकार साबित होगा? देखिए अमनदीप, बहुत सीधी सी बात है कि योगी सरकार के अंदर अगर डेवलपमेंट करने की आदत होती और डेवलपमेंट इन्होंने किया होता तो फिर इनको ध्रुवीकरण की ओर नहीं जाना पड़ता और ना इनको अपनी शुरुआत किराना से उतार करके करना पड़ता और दूध थूक जिहाद चलाना पड़ता। मैं तो बहुत सीधी सी बात पूछना चाहता हूँ कि एनसीआरबी के आंकड़े दे रहे हैं। आपने ये कहा था कि 2017 से जब हम आ जाएंगे सत्ता में तो डबल इंजन की सरकार होगी और चतुर्मुखी विकास होगा, तो आपने डबल इंजन की सरकार भी ले ली और चतुर्मुखी विकास की जगह चतुर्मुखी पतन कर दिया। अब वो कारण मैं बता देता हूं कि संकल्प पत्र का 1 से लेकर 212 नंबर तक का एक भी वादा इनका पूरा नहीं। आप जो काम गिना रहे वो समाजवादी पार्टी के काम थे, जिनका आपने शिलान्यास किया ही आपने उद्घाटन किया है। इसके अलावा आपके पास अपना कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है। अब रह गई बात राम राज्य की स्थापना की, तो राम राज्य की स्थापना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाया था और सत्ता में लाने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के जो नागरिक थे वो अब देख रहे हैं कि किस तरीके से एनसीआरबी के आंकड़े आ रहे हैं सामने। पहले तो 2017 जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 15 साल तक समाजवादी पार्टी को मौका दिया है जनता ने, उस वक्त भी तो जब रिपोर्ट सामने आती थी तब भी यूपी और बिहार ही तो नंबर 1 हुआ करता था, तब भी क्राइम रेट कम होता था।
आप ये बताइए ना, उस वक्त याद होगा कि बलात्कार में जब यूपी नंबर वन था तो मुलायम सिंह यादव ने भी ये कहकर पल्ला झाड़ दिया था कि यहाँ पर तो जनसंख्या ज्यादा है। अमनदीप, मैं बहुत दूसरी चीज कहना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि हम राम राज्य ला देंगे, अपराध मुक्त कर देंगे, इसलिए कि अपराध की एक अपनी टेंडेंसी होती है। सरकार उस पर कामयाब यही होती है कि आप कितने अच्छे तरीके से अपराध को रोकने के लिए अपने प्रोजेक्ट तैयार करते हैं और कितना आप अटैक करते हैं, कितना जल्दी आप विचारण करके दंड दिलाते हैं। उसमें योगी सरकार फेल है। हीनियस क्राइम में 7.50% की बढ़ोतरी हो गई और भ्रष्टाचार के मामले 25% और क्या बोलते हैं साइबर क्राइम के मामले जो है मामले 35% बढ़ गए। महिलाओं के प्रति होने वाले यौन अत्याचार से लेकर अत्याचार और पास्को हमारे बच्चों के साथ होने वाले अपराध में भारत में नंबर वन पे आप जनसंख्या गिनाते हैं। उस समय क्यों नहीं कहा था आप कि जनसंख्या ज्यादा है, राम राज्य स्थापित करने में हमें 50 साल का समय लिया था लगेगा। आप बताइए, योगी जी तो अपने ही शहर में भ्रष्टाचार करा रहे हैं। गोरखपुर के एच एल सिंह चौराहे पे एक प्रॉपर्टी है रणधीर सिंह की, उस पर जब्तीकरण का वो हुआ, गैंगस्टर के अंदर मुकदमा हुआ, वो संपत्ति जो है वो जब्त कर ली गई और जब्त करने के बाद आखिर क्या कारण है कि आज उस पर निर्माण हो रहा है बिना मुक्त किए हुए, कैसे उसका नक्शा पास हो गया? तो क्योंकि वो आपके अपनी बिरादरी के व्यक्ति हैं इसलिए आप अपराध कर सकते हैं और दूसरा नहीं कर सकता है। तो गुड अपराध और बैड अपराध कौन करवाता है? योगी आदित्यनाथ। अगर क्षत्रिय अपराध कर रहा है तो कोई दोष नहीं। हमारे यहाँ पूर्वांचल में एक कहावत है कि 10 लेकर में एक संतोष, गधा मरलत तन को न दोष, यानी अगर संतोष ने गधा को मारा है तो कोई दोष नहीं लगता है। तो इसी तरीके से ये है, आप एक तरफा कार्रवाई चलाएंगे, बुलडोजर आप एक तरफ चला रहे हैं, टेनी साहब हत्या करा रहे हैं अपने पुत्र से, अपनी धार गाड़ी चढ़वा के 4 किसानों की हत्या कर दिए, ये राम राज्य, ये क्या यही रिपोर्ट कार्ड है? क्या यही रिपोर्ट कार्ड है कि दिल्ली के बॉर्डर से 756 किसानों की लाश आई है? क्या यही रिकॉर्ड है? तो योगी जी अपना विफलता गिना रहे हैं। कपिल जी, कपिल जी एक जवाब ले लेते जल्दी से। दीपक जी बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। कपिल जी एक जल्दी से रिएक्शन, दीपक जी एक संक्षिप्त में आप इसका जवाब दीजिएगा, फिर उसके बाद में विशाल जी का रुख करना है। जी अमनदीप जी, ये अपराध के अंदर भी बिरादरी को खोज रहे हैं जबकि अपराधी अपराधी होता है और इस बात को ये नहीं समझ पा रहे हैं। आज अपराधी तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? फिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? लगातार एक्शन लिया जा रहा है अमनदीप जी। पार्टी में रखकर आप लोग एक्शन ले रहे हैं, कैसे हो रहा है? पार्टी में रखकर एक्शन ले रहे हैं आप। अमनदीप जी, प्रत्येक अपराधी के ऊपर लगातार एक्शन हो रहा है, लगातार कार्रवाई हो रही है। आज अपराधी जेल के अंदर है और इन्होंने तो जेल और बेल वालों को टिकट देने का काम किया है। अपराधीकरण का अगर कार्य किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है। आप ये बताइए, मिश्रा की प्रॉपर्टी का बुलडोजर क्यों नहीं चलवाया? क्योंकि गृह राज्य मंत्री है। आपने गायत्री प्रजापति जो की रेप का आरोपी था उसकी पत्नी को टिकट दे रहे, आप क्या महिलाओं का सम्मान करेंगे? आप नए दीपक जी, कपीर जी अगर आप इसी तरह से बात करेंगे तो जनता के लिए कुछ भी समझना मुश्किल होगा। समाजवादी पार्टी ये आपका अपराधीकरण है। प्लीज विशाल जी को दिखाइए, देने आए और अपराधियों के लिए जो आपका प्रेम है वो किसी से विशाल जी आपके दीपक जी, कपीर जी मैंने आप दोनों को बोलने का मौका दिया, प्लीज इस तरह से आप दोनों अपनी बात मत रखिए, जनता को समझना बेहद मुश्किल हो जाता है। कपीर जी, दीपक जी अगर आप लोग ऐसे ही बोलेंगे तो मुझे मजबूरन आप दोनों की आवाज को डाउन करवाना पड़ेगा। प्लीज एक एक कर अपनी बात रखिए। रिफिलिंग कहाँ हो रही थी? प्लीज कपीर जी मैंने आपको बोलने का मौका दिया, पर आप प्लीज दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए। 1 करोड़ का फाउंटेन कैसे लग गया? ठीक है विशाल जी, आप बताइए। ट्रैक्टर चढ़ते थे एसडीओ के ऊपर, भूल गए क्या झांसी के अंदर? प्लीज मैंने आप दोनों को बोलने का मौका दिया, अब आप प्लीज दूसरों को बोलने का मौका दीजिए। देखिए प्लीज कपीर जी, एक सीमित समय है और अगर आप ऐसे ही बोलेंगे तो देखिए मजबूरन आवाज डाउन करवानी पड़ेगी। विशाल जी आप बताइए कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में अभी ये मुकाबला देखा जा रहा है, कांग्रेस कहां पर खोई हुई है? देखिए ये मुकाबला जो है ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच नहीं है, ये इनकी नूरा कुश्ती नहीं है जो इनके बीच है, ये जनता का फैसला है। 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता जो लगातार 3 दशक द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के द्वारा ठगी जा रही है, आज विकास कहाँ है, विकास का मॉडल देखना है तो मान ले योगी जी के गृह जनपद में भी कुछ महीना पहले देख लेते,
जब कमर के ऊपर पानी बह रहा था तब 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 वो विकास था। जिस तरह ये एनसीआरबी के डेटा माननीय योगी जी आप गिना रहे हैं, तो योगी जी से पूछिए कि एनसीआरबी का डाटा क्या उल्टा उल्टा करके पढ़ रहे हैं। एनसीआरबी में अपराध नंबर एक पे, छिनैती नंबर एक पे, महिला उत्पीड़न नंबर एक पे, हत्या नंबर एक पे, तो कुल मिला के जो जिस सुशासन की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ये वो लोग हैं इस देश की में जो सबसे पहले इन्होंने राष्ट्रवाद का जो नारा दे रहे थे और ये कहां खड़े थे इनको पता था। तो इनका सुशासन और इनका राष्ट्रवाद तो ये जग जाहिर है। विशाल जी, कांग्रेस भी तो हर बार विकास को लेकर दावे और वादे करती रही है, लेकिन जनता क्यों 32 साल से भरोसा नहीं जता पा रही? 32 साल से जनता कांग्रेस पर भरोसा नहीं जता पाई है। हाँ, भरोसा इसलिए नहीं क्योंकि ये झोली भर के झूठ लाते थे। इन्होंने युवाओं के नाम पे झूठ बोला, भर्तियों के नाम पे झूठ बोला, किसान के नाम पे झूठ बोला, महिलाओं के नाम पे झूठ बोला। आज जनता जो है जग जाहिर है, सब जान चुकी है। आप जिस भर्ती की बात कर रहे हैं इनसे पूछिए ना, यूपीपीएससी में पेपर लीक हो जाता है, डीएलईडी में पेपर लीक हो जाता है, सीटीईटी में पेपर लीक हो जाता है, दरोगा भर्ती में पेपर लीक हो जाता है। जो युवा है वो एक छोटी पूंजी वाला व्यक्ति होता है, मध्यम वर्ग निचले परिवार के बच्चे किसी तरह से वो अपने फॉर्म भरते हैं, इनको तो वो भी दर्द नहीं पता। लास्ट में जो एग्जाम देते समय पता चलता है कि पर्चा लीक हो गया। तो ये तो ऐसी सरकार है ना, ये युवाओं के साथ खड़ी रही, ना किसानों के साथ खड़ी रही, ना व्यापारियों के साथ खड़ी रही, ना महिलाओं के साथ खड़ी रही। ये तो चंद उद्योगपतियों की सरकार है। और जग जाहिर आप देखिए, पूरा प्रदेश जो है, चाहे आप देवरिया से लेकर नोएडा तक देखिए, पूरी जनता त्राईमाम किए हुए। चिकित्सा की क्या लचर व्यवस्था थी आपने कोरोना कार्यकाल में देखा, यही हमारे आप प्रदेश की जो नदियां थी वो लाशों से बिल्कुल भरी हुई थी। जितने शमशान थे वहां पे दफनाने, क्या कहते हैं, अंतिम संस्कार करने के लिए जगह नहीं थी। अस्पतालों के बाहर लोग चिकित्सा के लिए गुहार लगा रहे थे। ये वो दिन भूल गए। और आज पूरे जो देश इस देश के बड़े, विश्व के बड़े बड़े देशों से अपनी तुलना करता था, आज उस देश को इन्होंने राशन की दुकानों पर निर्भर कर दिया है। आज महंगाई चरम पे। आप देखिए, चाहे क्या कहते हैं, सरसों का तेल हो जो 2014 के पहले 102 में था, 2500 के ऊपर बिक रहा है। आप दालें उठा के देख लीजिए, आप रोजमर्रा की जितनी भी चीजें। तो विशाल जी, राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल है ना, उसका भी जिक्र कीजिए। अब आप उन्हीं राज्यों की बात करेंगे जहां पर बीजेपी की सरकार है। इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जहां तक इस देश को सहूलियत देने का काम किए, जो तेल के हमारे समय में हमारे वहाँ पेट्रोल का दाम, बोरल का दाम क्या था कच्चे तेल का, आज क्या है, आज उसकी तुलना मौजूदा स्थिति की बात कीजिए ना। अभी तो राजस्थान में राज्य सरकार इतना टैक्स क्यों ले रही है, आप कहिए ना। फिर आप मुख्यमंत्री से बात कीजिए, वहां पर टैक्स कम करवाइए। आप फिर उन्हीं राज्यों का जिक्र क्यों करते हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है? नहीं तो आज महंगाई की मार कौन पूरे देश में झेल रहा है सबसे ज्यादा, आज उत्तर प्रदेश में आप देखिए, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं कम कर दे रहे हैं? तो आप जिक्र भी उसी राज्य का करेंगे जहां पर बीजेपी की सरकार है? प्रभु, राजस्थान भी देखिए ना। ठीक है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है। दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब ले लेते हैं। ठीक है दीपक जी, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। कांग्रेसियों का एक विशेष दृष्टि दोष है, इनको केवल और केवल उत्तर प्रदेश नजर आता है। इनके राहुल गांधी ने कहा था 1 से लेकर 10 तक की गिनती गिनूंगा और पूरे राजस्थान के अंदर से कर्जा माफ हो जाएगा। न जाने कौन से स्कूल से पढ़ के आए, उन्हें भैया गिनती सिखवा दीजिए। 1 से लेकर 10 तक की गिनती का इंतजार कर रहे हैं, आज तक 8 में पहुंचे के 9 भैया उनके स्कूल की चिंता ना करिए। आप हमारे देश के मुखिया हो, जो हमारी जो स्मृति ईरानी है ना, उनकी मार्कशीट चेक करवाइए। ठीक है ना दीपक जी, 2017 से लेकर कई सारे पेपर लीक हुए हैं जिसका खामियाजा स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ा है। कुछ तो खामियां होंगी ना। अब आप विपक्ष पर सवाल उठा रहे हैं, कुछ तो खामियां होंगी आपकी सरकार की, तभी ना पेपर लीक हुए। उस पर क्या एक्शन लिया गया, दूसरी डेट दे दी गई? जी, हमारे यहाँ पर अगर पेपर लीक होता है तो उसके बाद अपराधियों का संरक्षण नहीं होता, उनके ऊपर कार्रवाई होती है। अभी तक कितनी गिरफ्तारी हुई है? अभी अभी हाल ही में टीटी का पेपर लीक हुआ था, उसमें कितनी गिरफ्तारियां हुई है, क्या एक्शन लिया गया है? आगे पेपर लीक ना हो उसको लेकर क्या प्रावधान बनाया गया, आप बताइए कितनी गिरफ्तारियां हुई है? उसके अंदर से कुछ जगह पर से मुझ पर डाटा नहीं है, उसका आंकड़ा नहीं है, पर उसके अंदर से गिरफ्तारी हुई है वो मेरी जानकारी में है और उस पर जांच चल रही है, ये भी मेरी जानकारी में। अब वो जांच कब तक चलेगी, उसके बाद में जब जनता भूल जाएगी उसके बाद में वो उस जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? जी, देखिए निष्पक्ष रूप से सभी को नौकरी मिले, कोई भी ऐसा व्यक्ति ना नौकरी प्राप्त कर जाए जो गलत तरीकों से नौकरी प्राप्त करे, धन बल के माध्यम से नौकरी प्राप्त करे, तो इसीलिए पेपर लीक होते हैं।
पेपर लीक करने वालों पर कार्रवाई होगी तो आगे आगे आने वाली 100 पुस्तें उनकी सोचेंगी, उनके ऊपर बुलडोजर जब चलाया जाएगा, उनके परिवारों पर उनकी संपत्तियां जब्त की जाएंगी। और जनसंख्या का मुद्दा आप लोग बार बार उठाते हैं, सुन लीजिए। अरे वो तो आपके विधायक के भाई, विशाल जी मैंने आपको बोलने का मौका दिया, जनसंख्या को लेकर आप लोग मुद्दा बार बार बनाते हैं कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज्यादा है, जनसंख्या को कंट्रोल करने को लेकर आप लोग कानून क्यों नहीं बना देते? कई सारे ऐसे देश थे जहाँ पर पहले जनसंख्या ज्यादा थी लेकिन कंट्रोल किया बाद में, लेकिन भारत में कोई भी कानून नहीं बनाया गया। सत्ताधारियों की जवाब दीजिए, जनसंख्या पर कानून बना देगी, पर ये दोनों विपक्षी पार्टियां बैठे हैं, ये कहे लिख के दें कि दोनों आके अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस से लागे दे, हम अभी बनाते हैं, क्या दिक्कत है? ये विपक्षी पार्टी है ना तो कुछ अच्छा करना चाहती है, केवल आरोप लगाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीने पर हमसे ही पूछ करके कानून ले आते हो क्या? सारे कानून हम ही लोगों से पूछ के लाते हो क्या? आपने पूरे देश की जितनी गाड़ी कमाई थी, ठीक है आपने विपक्षी पार्टियों का यहाँ पर जिक्र किया है, बेचने का काम किया है, एयरपोर्ट को बेचने का काम किया, इंडियन ऑयल को बेचने का काम किया, रेलवे स्टेशन को बेचने का किया, सरकारी इमारतों को बेचने का काम किया है। आपने इस देश की जो गाड़ी कमाई थी, जो स्मृति थी, उसको काम किया है, आप क्यों नहीं कबूलते इस चीज को? आपने पूरे देश की व्यापार किया है, व्यापार आपको जनता के दुख और दर्द से कोई लेना देना नहीं था, आप पूर्ण रूप से फेल हो चुके हैं। और यही उत्तर प्रदेश की जनता, ठीक है विशाल जी आगे आपसे फाइनल कमेंट लूंगी, लेकिन उससे पहले कपिल जी आप बताइए कि आज रिपोर्ट कार्ड में कई सारे वादे और दावे तो किए गए, मूलभूत सुविधाओं की भी बात की गई, नल बिजली पानी सब जगह पहुंचाने की बात की गई, आप भी उत्तर प्रदेश में हैं, मैं भी यूपी में हूं, लेकिन ये देखिए सच्चाई और ये हकीकत है कि अभी भी कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो कि पिछड़े हुए हैं, जहां पर अभी तक भी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची गई हैं। जनसंख्या को लेकर आपने जिक्र किया कि यूपी की जनसंख्या ज्यादा है इसलिए वहां पर क्राइम रेट ज्यादा है और रेशो ज्यादा है, लेकिन ये भी तो कंट्रोल करना कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी, क्यों इस क्षेत्र में कदम नहीं उठाए जाते जब ये इतना बड़ा मुद्दा है? तो देखिए पहली चीज तो हम ये कहते हैं कि हमारे मित्र जो हैं वो जनसंख्या पे कानून लाने के लिए कह रहे थे कि इन लोगों से पूछ लीजिए, अगर हम लोगों से पूछ के ही आप कानून सारे ला रहे होते तो बहुत अच्छा होता, तो फिर आपको यू टर्न लेकर के किसान कानून वापस नहीं लेना पड़ता, जिसमें इतनी शहादत आपने करा दी कि पश्चिम के अंदर आप कन्विंसिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये साहब हमसे पूछ करके लेंगे, आप लाइए लेकिन सकारात्मक लेकर के आइए, नकारात्मक चीजों को नहीं लेकर के आना है। और दूसरी चीज, अगर आप शिक्षा को बढ़ाए होते, आज आप देख लीजिए नीति आयोग में चाहे इंडेक्स हमारे एजुकेशन का हो और चाहे हमारे हेल्थ का हो, हम सबसे नीचे हैं, सबसे नीचे। और बीमारू राज्य की परिभाषा पूछ दे इनको तो बता नहीं पाएंगे, और अमित शाह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से निकाल दिया, और उनसे पूछ दे कि ये बीमारू राज्य की क्या परिभाषा होती है, तो हमारे मित्र जो बैठे हैं ये भी नहीं बता पाएंगे, वो भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि भाषण में लच्छेदार बातें कह देना, थूक जेहाद चला लेना, वो एक अलग की बात होती है। भाषण में तो देखिए किस तरह की बयानबाजी हो रही है, कर इसको लेकर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। और देखिए बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि शुरुआती दौर में कांग्रेस को मौका दिया गया, उसके बाद में बसपा सपा बीजेपी सबको मौका दिया गया, लेकिन जो राज्य में सुधार होना था वो अभी तक नहीं हुआ। एक फाइनल कमेंट आपका विशाल जी। देखिए वर्तमान में जो गिरगिट संस्कृति के लोग हैं, इन्होंने उत्तर प्रदेश को झूठ और छल के द्वारा ठगने का बहलाने का काम किया है, और यही कांग्रेस पार्टी आज उत्तर प्रदेश का आम जनमानस वही दिन याद कर रहा है, जो उत्तर प्रदेश को हम लोगों ने कारखाने नहरे रोडे कुटीर उद्योगे जो देने का काम किया है, कांग्रेस पार्टी की देन है। आज फिर से कांग्रेस उत्तर प्रदेश का जो आम जनमानस है वो विकास की राह पर निकल रहा है और आशा भरी नजर से कांग्रेस पार्टी को देख रहा है। और आप देखिएगा इसी उत्तर प्रदेश में माननीय प्रियंका गांधी और के नेतृत्व में हम लोग मजबूती से सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश विकास की परिभाषा को पूर्ण रूप से जान गया है। ठीक है, इसका फैसला अब जल्दी हो जाएगा, 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे और ये भी साफ हो जाएगा कि जनता किस पार्टी पर अपना भरोसा जताती है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना रिपोर्ट कार्ड आज पेश कर दिया है और साथ ही 1 घंटे से ज्यादा जनता को संबोधित भी किया और पिछले 5 सालों में बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कार्य किए गए वो भी जनता के सामने रखे। लेकिन अब ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि जनता किस पार्टी पर अपना भरोसा जताती है और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रिपोर्ट कार्ड कितना असरदार साबित होता है। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही, आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon, never miss any update. Download the Janatantra TV app
अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।